नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई सक्सेसफुली इंडियन नेवी ने सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट को जो है कंडक्ट करवा लिया है दोस्तों, जिसमें ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राइवर, एमटीएस, चार्जमैन, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, इन सभी की वैकेंसीज थी दोस्तों। तो भाई अब जो है कैंडिडेट के मन में सिर्फ एक ही सवाल है भाई कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, कट ऑफ क्या है और रिजल्ट कब आएगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सटीक मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। और जैसा कि मैंने पॉइंट लिख रखा है भाई, 70 से 75 नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है भाई, बिल्कुल होगा दोस्तों। यहाँ पे भाई बहुत सारे कैंडिडेट के और भी डाउट थे कि एग्ज़ाम में ना उनको मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशली भाई कई क्वेश्चन के ऑप्शन जो है गलत थे, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस में था ही नहीं, तो उन क्वेश्चंस का क्या होगा इस पर भी हम जो है बात करने वाले हैं। सो बिल्कुल एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो भाई यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिव्यू जो है स्टूडेंट का मिला है भाई हमें इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर दोस्तों। इंडियन रोजगार ऐप पर भाई कंप्लीट बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट सब कुछ अवेलेबल है इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट का। तो अगर आप भी आने वाले बैच की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर साल आने की अब चांसेस होते जा रहे हैं दोस्तों, 2023 के अंदर भी आई है, 2024 में भी आई है, 2025 में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो भाई आप सभी अपनी तैयारी को आज ही स्टार्ट कर दो दोस्तों। बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न पर सिलेबस पर जो है हमने सारी चीजें तैयार कर रखी है दोस्तों। आपके लिए ऑफर भी भाई 50% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरे प्रोमो कोड नेवी50 का यूज करते हो। ऐप का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाई कट ऑफ की। सबसे पहले तो मैं आपको कट ऑफ ही बताने वाला हूं दोस्तों। देखो आपका जो एग्जाम है 27, 28 और 29 तारीख को हुआ है दोस्तों, और यहां पर भाई नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। तो 27, 28 और 29 को तीन तीन शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है हुआ है दोस्तों। एग्जाम की बार बिना किसी प्रॉब्लम के हुआ है भाई। 27 तारीख को जो 4 सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुआ था, उनका एग्जाम भी 29 तारीख को जो है सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की। भाई दोनों ही पोस्ट के अंदर आपको पता है कि एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे भाई दो कट ऑफ लगेंगी, एक तो आपकी नॉर्मल पीईटी के लिए और एक फाइनल। तो यहां पर दोस्तों पहली कट ऑफ में बता रहा हूं भाई फायर इंजन ड्राइवर की भाई वैकेंसी कम थी, तो इसकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों लगभग लगभग 72 से लेके देखो 78 नंबर के बीच रहेगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भाई वैकेंसी सिर्फ 60 है, दो ही वैकेंसी बड़ी थी। अगर हम बात करें भाई फायरमैन की, तो फायरमैन की जो कट ऑफ है ना वो बेहद कम जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों भाई रीजन भी मैं बताऊंगा कि आपको किन बिहाफ पर मैं कट ऑफ तैयार करके लेके आया हूँ दोस्तों। फायरमैन की जो कट ऑफ है भाई वो 65 से 70 नंबर ही रहेगी भाई, ठीक है। क्योंकि इस इतने अगर आपके मार्क्स है ना, तो भाई आपका फिजिकल में नाम आने की पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों। एमटीएस की अगर हम बात करें भाई, एमटीएस की वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है, लेकिन उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा दोस्तों। एमटीएस की कट ऑफ भाई 87 to 92 रहेगी, और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं भाई ये जनरल कैंडिडेट के लिए है दोस्तों, यूआर कैंडिडेट के लिए है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो इससे 2 से 3 नंबर कम मान सकते हो भाई, अगर एससी है तो 5 नंबर तक कम कर सकते हो। अगर हम बात करें भाई पेस्ट कंट्रोल वर्कर की, तो हाईएस्ट कट ऑफ पेस्ट कंट्रोल वर्कर की ही रहेगी दोस्तों। यहां पे कट ऑफ भाई 92 प्लस जाएगी, ठीक है। चार्जमैन फैक्ट्री और एमिनेशन की भी कट ऑफ भाई 92 प्लस ही रहने वाली है। अगर हम बात करें भाई चार्जमैन मैकेनिक की, तो इसकी कट ऑफ भाई सबसे कम रहेगी दोस्तों, 60 के नियर अबाउट अगर आपके मार्क्स है ना, तो सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। या फिर दोस्तों भाई अगर आपने जो है कंस्ट्रक्शन मैकेनिक जो आपका कंस्ट्रक्शन वाली पोस्ट है उस पर भी अप्लाई किया है, तो उसकी कट ऑफ भी बहुत कम रहेगी भाई, ठीक है। अगर हम बात करें भाई ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन की जो कट ऑफ है ना दोस्तों वो आपकी रह सकती है भाई 80 से लेके 82 नंबर तक, ठीक है। और दोस्तों ये जो कट ऑफ है ना भाई, देखो दो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, अगर बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से एग्जाम हुआ है ना भाई, जो कि लग रहा है मेरे को कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, 80 से 82 नंबर पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा भाई ट्रेड्समैन वालों का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो कट ऑफ को भाई जो जिन बिहाफ पर मैंने कट ऑफ निकाली है ना, वो ये रीजन से दोस्तों, और आप मेरे को कमेंट में बताना कि क्या आप इन रीजन से भाई बिल्कुल
एग्री करते हो या नहीं। दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुई है भाई, बिल्कुल हुई है दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज। इनफैक्ट अगर हम बात करें भाई एमटीएस की, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है, फायरमैन में वैकेंसी इंक्रीज हुई है। उसके बाद भाई नेगेटिव मार्किंग देखो ये तो है ही। उसके बाद अटेंडेंस भाई, अटेंडेंस भी दोस्तों भाई पहले शिफ्ट में 90% तक और जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें भाई 80% अटेंडेंस रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 70-80% अटेंडेंस आपकी रही है। उसके बाद भाई स्ट्रिक्टनेस, दोस्तों अब की बार भाई इंडियन नेवी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया है। हर सेंटर पर सीडेक की टीम थी भाई, मेरे हिसाब से बहुत मतलब कम चांसेस है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई हो। बहुत ही अच्छे तरीके से फेयर तरीके से जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया है और यही मेन रीजन है भाई कट ऑफ का। उसके बाद भाई कंपटीशन, अच्छा खासा कंपटीशन, आपको पता है कि पेस्ट कंट्रोल वर्कर में बहुत कम पोस्ट थी फिर भी बहुत ज्यादा फॉर्म जो है अप्लाई हुए हैं। उसके बाद भाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, अब की बार भाई लेवल का जो था एग्जाम का वो मॉडरेट रहा है भाई, ठीक है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, अच्छे खासे क्वेश्चन दिए थे भाई। अगर हम बात करें एमटीएस पोस्ट की, तो एमटीएस में भाई देखो सब पहले वाले जो एग्जाम थे फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर का, उनमें अर्थमेटिक बहुत कम आ रहा था, एडवांस ज्यादा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे एमटीएस में अर्थमेटिक बहुत ज्यादा आ रहा था, एडवांस बहुत कम आ रहा था। बहुत सारे ऑप्शन गलत भी थे दोस्तों, जिनके क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे ना भाई, उनका क्या सोल्यूशन होगा दोस्तों, ये तो आंसर की में पता चलेगा। जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तभी जो है उनका पता लगेगा कि क्या जो है उनके साथ होने वाला है। तो ये कट ऑफ भाई मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है दोस्तों। आप अपनी राय भाई कमेंट करके जरूर बताएगा कि अकॉर्डिंग टू यू भाई क्या कट ऑफ रहेगी। देखो तो दोस्तों हर शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने बात की है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम रिव्यू लिया है, उसके बाद ही जो है मैं ये कट ऑफ आपके लिए लेकर आया हूं। आप सभी भी मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और टेलीग्राम पर भाई मैंने पोल क्रिएट किया है जिसमें आप सभी से अपनी राय, आपकी राय जो है मांगी गई है कि क्या जो है आपका स्कोर रहा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, और वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वोट जरूर करके आओ भाई। हर पोस्ट का मैंने वहां पे जो है पोल क्रिएट कर रखा है, ठीक है। बाकी भाई अगर हम बात करें जो है फायरमैन, उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर की, इनका जो है फिजिकल भी होने वाला है दोस्तों, और दूसरा भाई जो 2023 की वैकेंसी है अभी उनका फाइनल रिजल्ट भी आना जो है बाकी है, तो पहले वो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं एक और बात करूं भाई अंसवर की, बहुत सारे कैंडिडेट अंसवर की बात करेंगे, तो ये भी मैं कवर कर देता हूं दोस्तों। अंसर की विद इन अ मंथ आपको देखने को मिल जाएगी, विद इन मंथ भाई, क्योंकि अगर हम बात करें पिछली बार तो एक महीने के अंदर आ चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं भाई दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में आपके आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो भाई ये जो है ओवरऑल कंक्लूजन था। अगर आप भी आने वाले नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट ट्रेड्समैन फायरमैन ड्राइवर किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी इंडियन रोजगार ऐप से जो है तैयारी कर सकते हो। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देख के लेटेस्ट सिलेबस पर जो है बैच और टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट सब कुछ अवेलेबल है भी। एक बार ऐप को इंस्टॉल जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।